हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी। मैंने अपने कंप्लीट केन्शन मॉडल का जो एक वीडियो डाला था इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, उसमें एक बहुत बड़ी भूल हुई थी जो मुझे आज सुबह ही किसी ने कमेंट करके बताया, एंड आई वांट टू थैंक्स हिम। कि एक्चुअली मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं उसे बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को कमेंट करके एटलीस्ट मेरी गलती बताई है। सो इसीलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट किया है और अब ये इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन कंप्लीट केन्शन मॉडल मैं फिर से डाल रहा हूँ। होप इसमें कुछ भी गलती ना हो और आप लोग को कुछ सब कुछ समझ है। सो टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आई एस नॉट एंड एल एम नॉट का इंटरसेक्शन कराते हैं। अगर कंप्लीट केन्शन मॉडल आपने पढ़ा है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। तो आई एस नॉट और एल एम नॉट का इंटरसेक्शन करा के इनिशियल आई एस एंड एल एम कर्व का, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है प्रोडक्ट मार्केट एंड ऑल में, जो एट वाई नॉट यानी कि ये हमारा इनिशियल लेवल ऑफ इनकम है एट इनिशियल लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, तो अब जो है गवर्नमेंट जो, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी है इसीलिए हम लोग इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के लिए सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो इंक्रीज़ कर रहा है यानी कि अपना जो जी बार जो है या फिर जी जो है वो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बाय डेफिशिट फाइनेंसिंग हो रहा है। ठीक है ना, डेफिशिट फाइनेंसिंग या फिर पीपल बोरिंग, तो पीपल से जो है वो गवर्नमेंट जो है मनी जो है वो बोरो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फाइनेंस का डेफिसिट है इसी कारण पीपल से वो मनी जो है वो बोरो कर रहा है। अच्छा, अब अगर जब वो मनी पीपल से बोरो कर रहा है तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे मनी सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एम बार जो है यहाँ पे मेरा अनएफेक्टेड है। ठीक है ना, एम बार यहाँ पे मेरा अनएफेक्टेड है, और बट यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हम लोग अगर नॉर्मली बात करें एकदम इजी लैंग्वेज में तो वो क्या है, वो पीपल से यानी कि जो पॉपुलेशन है उससे गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो बोरो कर रहा है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, लॉजिकली सोचो इसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली जो डिमांड फॉर मनी है इन मनी मार्केट वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया है पीपल का, तो पीपल का डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ होगा। और अगर पीपल का डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ होगा तो डिमांड फॉर बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पीपल को मनी चाहिए तो वो अपना बॉन्ड्स जितने भी बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे होंगे वो उसको बेचना शुरू करेंगे, जिसके कारण मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेस सप्लाई होने के कारण क्या होगा, प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो फॉल करेगा, एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड जब फॉल करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक स्टेप करके समझो। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल आर नॉट था, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो मेरा इंक्रीज़ हुआ आर वन पे गया। ठीक है, आर वन पे नॉट आर स्टार पे, आर वन पे गया है। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ आउटपुट वाई वन एट इनिशियल लेवल ऑफ एल एम, बट मेरा आई एस कर्व देखो ये शिफ्ट हुआ है आई एस नॉट से आई एस वन में। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से देखो, आई एस नॉट से आई एस वन में गया देखो, फिर हम लोग आई एस वन और एल एम नॉट यानी कि एल एम इनिशियल है, आई एस जो है सिर्फ चेंज हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करके जो मेरे को पॉइंट मिल रहा है वो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है, जो कि ग्रेटर देन इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और इस पर जो आउटपुट लेवल है वो मेरा वाई वन है, क्यों, क्योंकि मेरा जो कि मेरा वाई नॉट से ग्रेटर देन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली हम लोग क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि पीपल से पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पीपल से पैसा बोरो किया है इसी कारण हुआ ये चीज़। इसमें अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो इस बार वापस से इस चीज़ को सुनना। अच्छा, यहाँ तक तो था मेरा कि आई एस कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ और एल एम हमको एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, इसके कारण मेरा क्या हुआ एक्चुअली में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज़ हुआ और जब आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हुआ, तो आउटपुट लेवल कैसे इंक्रीज़ हुआ, मेरा ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा था मार्केट में, मनी मार्केट में मेरा डिमांड ज़्यादा था, और वही डिमांड के कारण मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गया। ठीक है, ए डी नॉट से ए डी वन पर शिफ्ट कर गया, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ए डी नॉट से ए डी वन में शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक सवाल आ रहा है कि ये जो है ये मेरा एट एस के एम मल्टीप्लायर के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है ना, बट जैसे ही मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जैसे ही मेरा फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस समय मेरा ऑब्वियसली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करेगा,
देखो अगर आर नॉट से आर वन जब मेरा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। इसके कारण एडी को भी डिक्रीज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे तो हम लोग दिखा रहे हैं कि एडी कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। ये कैसे हुआ? देखो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण एडी कर्व शिफ्ट हुआ, बट एडी कर्व जो है वो फुल्ली शिफ्ट नहीं हुआ। अब पार्ट ऑफ एडी जो है वो जो है क्राउड्स आउट हो गया है, इसी कारण जो है एडी कर्व जो है वो वाई नॉट से सिर्फ वाई वन तक ही जा पाया, ना कि वाई नॉट से वाई डैश तक गया है। ठीक है, वाई नॉट से वाई डैश नहीं जाके वाई नॉट से वाई वन तक गया, बिकॉज एक्स्ट्रा जो और जो सम पार्ट्स था एग्रीगेट डिमांड का वो जो है वो क्राउड्स आउट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू आई एस एल एम मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये सब था मेरा एट पी नॉट पे, यानी कि पी नॉट में, यानी कि एक प्राइस लेवल गिवन जब था मेरा, यानी कि प्राइस लेवल जब मेरा फिक्स था। क्योंकि हम लोग एजम्पशन से जानते हैं आई एस एल एम मल्टीप्लायर में क्या एजम्पशन है कि पी नॉट एट गिवन प्राइस लेवल हम लोग आई एस एल एम मल्टीप्लायर को जो है फाइंड आउट करते हैं। तो एट गिवन प्राइस लेवल पे हम लोग देख रहे हैं मेरा पॉइंट जो है यहाँ पर है, या जो मेरे को आउटपुट लेवल वाई वन दे रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। अब आते हैं यहाँ पर एक और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, वो कैसे होते हैं तो उसके लिए देखो होता क्या है कि, अच्छा वापस से एक बार सुनो, आई एस नॉट से आई एस वन में शिफ्ट हुआ, वाई नॉट से वाई वन में गया, मेरा एट ड्यू टू एस के एम मल्टीप्लायर यानी कि एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा एक्चुअली जो आउटपुट लेवल इतना इंक्रीज़ हुआ, बट ड्यू टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड ड्यू टू आई एस एल एम मल्टीप्लायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मेरा इंक्रीज़ होता है तो मेरा सम पार्ट क्राउड्स आउट होता है, इसलिए मेरा आउटपुट लेवल सिर्फ वाई वन तक ही इंक्रीज़ करता है। अब देखो इस लेवल पर हम लोग जानते हैं ड्यू टू इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल एंड ड्यू टू केन्स इफेक्ट, मेनली केन्स इफेक्ट होता क्या है, इस पॉइंट पे हमारा एट फॉर गिवन पी हमको क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली मेरा जो एस पी डी डी है वो मेरा क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली एस पी डी डी में क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण मेरा एस पी डी डी ऑब्वियसली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा तो एस पी डी डी मेरा फॉल कर जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉल करेगा, तो मेंटेन गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक मेरा फॉर गिवन पी तक यहाँ इस पॉइंट तक आया और उसके बाद ड्यू टू इफेक्ट केन्स इफेक्ट, ड्यू टू केन्स इफेक्ट मेरा जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि एक्स डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो गया। तो इसके कारण इसीलिए मेरा जो है एट द सेम यानी कि ए डी वन कर्व में ही मेरा प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है ना, टू मेंटेन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसके कारण मेरे को क्या मिलता है, एक अनदर क्राउडिंग आउट इफेक्ट मिलता है। तो ये दूसरा क्राउडिंग आउट इफेक्ट मेरे को मिला एट वाई स्टार लेवल पे। ठीक है, और दूसरा क्राउडिंग आउट इफेक्ट मिला एट आर स्टार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जब आर स्टार पे पहुंच गया, जैसे ही मेरा प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ मेरे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो गया आर वन से आर स्टार तक, और मेरा आउटपुट लेवल जो है वो वाई वन से वाई स्टार तक डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ड्यू टू अनदर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि मेरा सी के एम मल्टीप्लायर यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ तक सबसे पहले एस के एम मल्टीप्लायर काम किया, उसके बाद इस पॉइंट से मेरे को इस पॉइंट यानी कि वाई वन तक पहुँचाने के लिए आई एस एल एम मल्टीप्लायर काम किया, एंड वाई वन से वाई स्टार पहुँचाने के लिए मेरे को सी के एम मल्टीप्लायर काम किया। क्यों? क्योंकि आई एस एल एम मल्टीप्लायर हम लोग जानते हैं कि प्राइस लेवल मेरा गिवन रहता है, बट सी के एम मल्टीप्लायर में ऐसा एजम्पशन नहीं है। अगर आपने सबसे पहला वीडियो देखा है तो उसमें पता होगा कि सी के एम मल्टीप्लायर में एजम्पशन है कि प्राइस लेवल इज़ वेरिएबल और फ्लेक्सिबल, इसी कारण मेरा प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ और इसके कारण मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ बता सकते हैं कि मेरा जो सी के एम मल्टीप्लायर है वो लेस देन है आई एस एल एम मल्टीप्लायर के एंड लेस देन है एस के एम मल्टीप्लायर के। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बता सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो ऑब्वियसली यहाँ पे सप्लाई साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑब्वियसली डिमांड साइड में ज़रूर इफेक्ट होगा जब मेरा डब्ल्यू बार इक्वल्स टू पी इंटू एफ एन होगा, एफ डैश एन यानी कि एम पी एन इंटू प्राइस
इक्वल्स टू वेज रेट होगा, तो मेरा जो अगर मेरा प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया तो क्योंकि वेज रेट मेरा कंस्टेंट है तो एम पी एन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और एम पी एन डिक्रीज़ कब होगा, जब मेरा लेबर डिमांड जो है वो एन नॉट से एन स्टार तक में, यानी कि बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट मेरा लेबर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगा, और ऑब्वियसली मेरा आउटपुट लेवल तो तब इंक्रीज़ हो ही जाएगा एट प्राइस लेवल पी स्टार। और अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, और मेरा जब ये जब सी के एम मल्टीप्लायर काम कर रहा है और जैसे मेरा प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा एल एम कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा, तब उस समय मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली एल एम कर्व शिफ्ट करेगा, और एल एम कर्व जो है वो राइटवर्ड नहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस लेवल अगर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो मनी सप्लाई, ये अगर डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज़ हो तो मनी सप्लाई क्या डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए एल एम कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ एल एम नॉट से एल एम वन में। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंचुअली हम लोगों ने क्या देखा है कि मेरा वाई नॉट से वाई स्टार तक मेरा आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि मेजर फोर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो वाई स्टार इंक्रीज़ हुआ, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है और मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो, तो इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी में मेरा ये चारों वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं उस चीज़ को और क्लियरली बताने का कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।